اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ربي زدني علما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق العظيم it is my pleasure to share some knowledge of the subject known as mathematics my name is professor mohammed tahir alhamdulillah beta aaj humne fsc part 2 student ke liye question chapter number 3 hai integration uska 3.1 ka teesra question inshallah hum discuss karenge char iske questions hai teesre part ke to inshallah charon ka hum yahan discuss karenge chalta hu apne question ki taraf yahan pe jo question likha hua question number 3 hai use the differentiate of the approximated the value of isme question jo book mein hai mere paas वो आपके सामने लिख देता हूँ जी लिखा हुआ है अंडर रूट क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा इस पार्ट का अंडर रूट 17 बटे यहाँ पे 4 ठीक है मैं आपको एक फंक्शन यहाँ बता रहा हूँ कि ये आपने याद रखना है फार्मूला इसको फंक्शन को याद रखना है तो इसके अंदर हमने पुटिंग करनी है तो ये आपको सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा क्या है हमारे पास फंक्शन एफ और एक्स जो हमारे पास है प्लस एफ डेल्टा एक्स वो बराबर है आपके पास एफ बार एक्स यानी कि डेरिवेटिव डी फोर एक्स को डेल्टा एक्स भी कहते हैं मैं बताया हुआ अपने पहले लेक्चर के अंदर प्लस एफ एक्स ठीक है जी फंक्शन है ये आपने याद रखना है इस फार्मूले की मदद से हम इंशाल्लाह इसको क्लियर करते चले जाएंगे अच्छा यहाँ पर देखें बेटा अगर मैं लिख दूँ ये लिखा है हेयर्स हैज ओके यहाँ पे आप सॉल्यूशन की तरफ हेयर्स अगर ये फंक्शन एक्स डेल्टा एक्स इक्वल टू लिख दिया जाए एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट किसके है फोर है तो बेटा यहाँ पे फोर कोई इशू नहीं अगर इसको मैं लिखूँ फंक्शन एक्स इक्वल टू फोर एंड एक्स क्योंकि जैसा क्वेश्चन होगा वैसा ही फंक्शन बनाएंगे ठीक हो गया बेटे अच्छा अब अगर इसको यूं लिख दूं एफ और एक्स वन बाई फोर कोई इशू नहीं है हमें समझ आ गई एफ और एक्स ले लिया अब हमने क्या लेना है एफ बार एक्स फिर हमने डी एक्स लेना है क्लियर हो गया इसको देखकर हमने इसे सोल्यूशन करनी है कोई इशू नहीं बेटे अच्छा अब यहाँ से अगर मैं ये लिख दूँ एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू यहाँ लिखा दूँ एक्स या एक्स प्लस डेल्टा एक्स है यहाँ फोर लगा के अगर मैं लिख दूँ इसको यहाँ लिखा हुआ है 17 है 16 प्लस वन और यहाँ पे फोर लगा दूँ इट मीन कि हमारे पास क्या बात हुई है हमने इसको 17 बनाना है हम इसे 18 माइनस वन भी कर सकते हैं ठीक है अब हमने क्यों नहीं किया कि हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आसानी हो कि ईजीली हम आसानी से इसको सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन को हल कर सकें क्या बात कर रहा हूँ ये मैं आगे जाके बताता हूँ इसी क्वेश्चन में अच्छा जी यहाँ तक हो गया इससे समझ आ गई कि एक्स जो हमारे पास है वो 6 है डेल्टा एक्स या डी फोर एक्स वो बराबर है 1 के क्लियर बेटे यहाँ तक अब देखिए हमारे पास ये भी आ गया ये भी आ गया ये फंक्शन ही आया तो इसका डेरिवेटिव लेंगे एफ फोर एक्स इक्वल टू एफ ये जब डेरिवेटिव लेंगे बेटा एफ बार एक्स हमने डेरिवेटिव आपको पिछले लेक्चर बचा चुके हैं डेरिवेटिव हम कर चुके हैं इसकी पावर में से जो पावर है वो बाहर आ जाएगी यानी कि जो पावर वन बाई फोर है बाहर और एक्स की पावर में से एक कम हो जाएगा तो क्या कम होगा माइनस 3/4 हो जाएगा अब अगर इसको रखें 1/4 एक्स की पावर 3/4 कोई इशू नहीं क्लियर बेटे यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई अच्छा अब यहाँ से हमने आगे मूव करना है कि हमने फार्मूला के अंदर इसके अंदर फंक्शन के अंदर पुट करना है तो अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर कि एफ एक्स प्लस एक्स से मुराद किया जाएगा हमारे पास 16 प्लस 1 ठीक है एक्स है तो 16 है डेल्टा एक्स है तो 1 है ओके इक्वल लगा दिया एफ और एक्स क्या है हमारे पास है वो हमारे पास ये है 1/4 एक्स 3/4 अच्छा जी फिर आ गया डेल्टा एक्स कितना बेटा हमारे पास डेल्टा एक्स 1 है बेटा ये 1 लगा दिया फिर आगे प्लस आ गया फिर फंक्शन कितना बेटे के पास फंक्शन है एक्स 1/4 उम्मीद है ये भी क्लियर हो गया स्टेप बाय स्टेप मैं चल रहा हूँ बेटा साथ साथ फंक्शन हो गया तो यहाँ बेटा क्या आ जाएगा 17 तो ये 17 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी
यानी कि फोर है तो यहाँ पे लिख देंगे अंडर रूट ये फोर। ठीक है जी, हम इसकी निकाल रहे हैं इक्वल है अप्रोसी। ठीक है जी, यहाँ पे भी आप इक्वल लगा लें, ये हो गया। ठीक है जी, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू निकालनी हमने 1/4। अब वैल्यू पुट करनी है, एक्स की वैल्यू क्या है 16। अब यहाँ पे क्लियर होगी बात कि मैंने 18 क्यों नहीं किया, 16 3/4 बेटा 18 करते तो 18 कैल्शियम लूँगा तो हमारे पास कुछ इस तरह आएगा, 18 का लिया 2 9s are 3 पे। ठीक है बेटे, अब देखें ये कटिंग नहीं होगा, मसला बन जाएगा, तो हम क्या करेंगे इसको 16 पे करेंगे, इजीली हो जाएगा 8 2 4 2 2 and 2 1, इसलिए हमने 4 पावर आ गई तो 4 4 से कट गए, सिंप्लीफाई कर, इसलिए हमने 16 लिया। क्लियर हो गया, उम्मीद है यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड होगी। प्लस यहाँ पे कितना जी हमारे पास x की वैल्यू 16 है, 16 ब्रैकेट 1/4 एंड 17 इक्वल टू 1/4 इसकी पावर 2 की पावर 4 आ गया, 3/4 इक्वल है 2 की पावर 4 और यहाँ पे आ गया 1/4 अंडर रूट, ये आ गया 1/4, कटिंग करेंगे 2/3 बेटे प्लस 1 ये 2, यहाँ तक आपको समझ आ रही है, बड़ी क्लास है, कटिंग कर लेंगे आप। ये 4 एंड 17 इक्वल टू 1 4 है और 8 2 2 4 4 2 8 8 4 32 और प्लस 2, इसको सिंप्लीफाई, इसको डिवाइड करें और प्लस 2 कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया बेटा, आप इसको करिएगा आपको समझ आ जाएगी। इसका आंसर जो मैंने निकाला हुआ है 0.03 0.03125। ठीक है जी, आपने ऐसे वाला साइन लगाते चले जाना है। ठीक है जी, ये आपका पहले का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बेटा, मैं इसको हाईलाइट भी कर लें ब्लू के साथ लें जी बेटा। क्लियर यहाँ तक, ओके जी, अब इसकी पिक बना लीजिएगा, शॉर्ट स्क्रीन लीजिएगा, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। क्लियर जी, अब अगला क्वेश्चन मैं मूव करता हूँ, अगले क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, 31 1/5 वाला है, उसको मैं डिस्कस करता हूँ, रेज कर रहा हूँ जी बेटा इस चीज़ को और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए स्पेस बना रहा हूँ मैं, इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन करूँगा कि आपको दिक्कत ना हो किसी भी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है जी, चलें जी आगे मूव करते हैं जी, इसी थीम से, इसी पैटर्न से, इसी लगन से इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी करूँगा। क्या क्वेश्चन था हमारे पास, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है बेटे, लिखा हुआ है ब्रैकेट 31 और पावर लिखी है 1/5। ठीक है, यहाँ पे क्लिक होगी हम 32 जमा 1 करें, जब 32.1 करेंगे 31 होगी, मुझे तो क्लियर हो गया, आपको भी क्लियर होना चाहिए हमने ये कैसे बनाया। बहरहाल अब आगे मूव करते हैं, वही स्टेप लेंगे, हमने जो फंक्शन बेटे को बताया हुआ है वही लिखेंगे कि हेयर एज एफ प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ डी एक्स एफ एक्स एफ बार और डी एक्स और एफ एक्स डेरीवेटिव, यही फार्मूला आपने याद रखना बेटा, इसकी वजह से हमने बात क्लियर करनी है। हेयर्स क्या बात हम करेंगे, बात यहाँ से हमारी ये होगी कि सबसे पहले हमने ये देखना है एफ एक्स डेल्टा फिर एक्स, ये हमारे पास हो जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये हमारे पास 5 हो जाएगा। ठीक है जी 1/5, अगर इसको हम यूँ लिख लें, चलें आगे क्वेश्चन में एफ और एक्स है तो वो हमारे किसके बराबर हो गया 5 एंड डेल्टा एक्स के बराबर 1/5, उसी पैटर्न से करना जो इस पैटर्न से मैंने पहले क्वेश्चन किए हैं। अच्छा जी यहाँ तक हो गया, अच्छा जी एफ आ गया, ये रह गया और ये रह गया, ये लेने के लिए बेटा आग बताया कि यहाँ पर क्या हमारे पास है एफ 32 -1। ठीक है जी यहाँ पे, हाँ जी ठीक है 1/5 इक्वल टू, अगर यहाँ पे लिख लूँ कि अंडर रूट 5 32 -1 वही बन जाएगा, 32 -1 31 बन जाएगा, तो इट मीन हमें ये समझ आ गया कि यहाँ पर हमारे पास जो x है x प्लस डेल्टा x, x जो हमारे पास है वो 32 है और डेल्टा x या d4x
ठीक है, दोनों इक्वल हैं, किसके बराबर है, माइनस वन के। उम्मीद है ये क्लियर। अगर हम वन लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, याद रखिएगा ये स्टेप्स को यहाँ तक। अब आपने क्या लेना है, एफ फोर एक्स बार एक्स लेना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये बताया था वन बाहर आ जाएगा, वन बाई एक्स, अगर ये सिंपल पहले वन बाई एक्स क्यों लिख दूँ आपको समझ आ जाए, वन बाई फाइव इसका डेरिवेटिव लूँगा एफ बार एक्स, वन बाई फाइव पिछला चैप्टर सारा आपने इसी तरह चलें ऐसे ऊपर लिखें फिर नीचे ले आते हैं, एक्स माइनस फोर बाई फाइव, और नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हैं वन फाइव और एक्स फोर बाई फाइव। ये कैसे आया आपको अंडरस्टैंड है, ओके जी। अब आपने इस फार्मूले पुट कर लेने, क्या जी हमारे पास एफ है थर्टी टू माइनस वन इक्वल है, डेरिवेटिव क्या है फाइव, वन बाई फाइव उसी थीम से कर रहा हूँ, उसी बातों से हम आगे चल रहे हैं, फोर बाई फाइव और आगे लिखा है माइनस वन, किसका लिखा है डेल्टा एक्स का या डी फोर एक्स का माइनस वन। अब फंक्शन है तो कितना आएगा बेटा, फाइव सॉरी एक्स बाय फाइव, एक्स वन बाय फाइव, उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया। वैल्यू पुट करूँगा बस, थर्टी वन अप्रोक्सीमेट वन बाय फाइव, और इसकी थर्टी टू है आपको पता है एक्स की वैल्यू, फोर बाई फाइव, थर्टी टू कैसे लिया आपको समझ आ गई, टू कैल्शियम लेंगे टू फाइव टाइम पावर हो जाएगी कट जाएगा, अगर हम थर्टी लेते फिर हमारा मसला बन जाता, तो हम इसलिए हमने ये चूज़ किया। बहरहाल इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो माइनस वन हो गया, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, डॉट लगा कर एक्स की वैल्यू है थर्टी टू और वन बाई फाइव बेटा। एफ फंक्शन यहाँ पर आएगा माइनस वन फाइव टू की पावर फाइव और फोर की पावर फाइव, डॉट फाइव टू की पावर फाइव और बेटा यहाँ पे वन बाई फाइव, और यहाँ पे वन माइनस क्या है फाइव है, टू की पावर बेटा फोर आ जाएगी और डॉट यहाँ पे टू आ जाएगा, क्लियर, ये फाइव फाइव से सीरीज हो गया। अच्छा जी अब आगे है माइनस वन एन फाइव, टू टू दर फोर, फोर टू दर एट, टू दर सिक्सटीन, तो यहाँ पे सिक्सटीन हो जाएगा माइनस सॉरी डॉट वन, डॉट मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, मेरे पास जो आंसर है उसके मुताबिक यहाँ पे आंसर है बेटा 1.8 1.98 सेवन एंड फाइव, ठीक है जी। अब वन बाई फाइव भी इधर है, वन बाई फाइव भी इधर है, ठीक है जी, ये आपने साथ साथ मैसेज करते चले जाना। ये लीजिए ये आंसर आ गया अंडर रूट फाइव और थर्टी वन, उम्मीद है यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड होगी। अब नया क्वेश्चन की तरफ मूव करूँ, यहीं पे चले कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर थ्री सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, लिखा हुआ है बेटा कोस थर्टी ट्वेंटी नाइन डिग्री। क्वेश्चन नंबर थ्री कोस ट्वेंटी नाइन डिग्री, वही थीम से हम करेंगे, फंक्शन बेटा वही लिखाएंगे हम, हेयर्स हैज फंक्शन f प्लस डेल्टा x और इक्वल लगाएंगे हमारे पास क्या है f डैश फोर एक्स डी फोर एक्स प्लस फंक्शन x, करने के लिए वो स्टेप बेटा हेयर्स क्या बात करनी है हमने कि यहाँ पर f फोर एक्स प्लस डेल्टा या फिर इसको एफ एक्स करें पहले, वो हमारे पास हो जाएगा कोस एक्स। अगर ये लिख दिया जाए कि एफ प्लस डेल्टा एक्स है वो हो जाएगी कोस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। अगर इसको यहाँ पे मैं लिख दूँ कोस ट्वेंटी नाइन तो फिर भी कोई इशू नहीं, कोस ट्वेंटी नाइन डिग्री, ठीक है बेटे। अच्छा जी अब यहाँ से आगे मूव करेंगे, ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, तो यहाँ पर करेंगे हम ऐसा कि कोस ट्वेंटी नाइन इन थर्टी माइनस वन कर देंगे, यहाँ भी डिग्री यहाँ भी डिग्री। अब क्या लॉजिक है वो मैं बता चुका हूँ आपको, इक्वल टू कोस एक्स भी थर्टी और माइनस प्लस वन माइनस वन आ जाएगा और ये भी डिग्री, ठीक है।
ठीक है बेटे, हमें यहाँ समझ आ गई कि x बराबर है 30 डिग्री के और डेल्टा x या डी फोर एक्स है माइनस 1 डिग्री के, और डिग्री है पाई ओवर 180 और ये माइनस इसका माइनस ये हो जाएगा, नीचे लिख देता हूँ मैं, माइनस ज़ीरो पॉइंट वन सेवन। ये किसका डेल्टा एक्स की बेटा, आपके पास क्या आगी वैल्यू आगी। आप इंटीग्रेशन लेने डेरिवेटिव लेना है आपने एफ फंक्शन का, क्या लिखा हुआ बेटा हमने कोस एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, ये हो गया साइन एक्स हो गया माइनस साइन। ठीक है जी बेटा, यहाँ तक उम्मीद है आपको अंडरस्टैंड हो गया। ठीक है जी, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम भी आपको? अच्छा जी, ये फंक्शन, अच्छा अब ये भी आपके पास आ गया, ये भी आ गया, ये भी, बस वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कोस 30 माइनस 1 डिग्री इक्वल टू एफ एक्स की, एफ बार एक्स की वैल्यू कितनी है बेटे के पास, ये माइनस कोस माइनस साइन एक्स, और डी एक्स की वैल्यू क्या है माइनस 0.017, और प्लस लगा के एफ एक्स की वैल्यू कितनी है कोस एक्स प्लस कोस और एक्स, वैल्यू पुट करेंगे जी कोस 29 डिग्री ब्रैकेट में इक्वल टू माइनस साइन, साइन की वैल्यू 20 कितनी है 30, मतलब 30 का हमें एंगल पता ना, 29 का एंगल हमें नहीं पता इसलिए हम 30 लिया, माइनस 0.017 और प्लस कोस कितनी है जी कोस वो भी कितना है हमें 30, इसकी वैल्यू बेटे को पता है कैलकुलेटर की वजह से, या आप साइन की टेबल से निकाल सकते हैं, साइन ये है तो आपके पास जो वैल्यू है कि मैं यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, तो जो आंसर है बेटा वो मेरे पास है 0.8747 जीरो पॉइंट इक्वल लगा रहा हूँ यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट वाला 0.8747, अपने कैलकुलेटर पर कर लीजिएगा इंशाल्लाह यही आंसर आएगा, कोई 19-20 का फ़र्क ना आ जाए। क्लियर जी, कोई इशू यहाँ तक आपको क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का, इसको रेज कर देता हूँ, इसी तरह का क्वेश्चन है जो मैंने अभी क्वेश्चन बेटा किया, दो पहले सेम थे, तीसरा और चौथा आपस में दोनों सेम है, तो इसको हम क्लियर कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारे पास, लिखा है साइन 61, लिखा हुआ है जी हमारे पास साइन 61, लिखा है जी साइन, क्वेश्चन नंबर 4, साइन 61 डिग्री, तो यहाँ लिखे हेयर्स, वही बेटा आपको बताया फंक्शन आपने याद रख लेना है, इसी की मदद से आपने इसको क्लियर कर लेना है, एक्स प्लस डी फोर एक्स प्लस एफ बार एक्स या एफ एक्स। क्लियर जी, अब आगे वही बात जो पहले किया था वो बात हमारे पास यही है, एफ फोर एक्स जो आपके पास हो जाएगा इक्वल टू साइन एक्स, और ये इसका डेरिवेटिव है या जो भी है, या इसको आप ऐसे लिख देते हैं साइन एक्स जो होगा वो जिसके बराबर होगा वो हम लिखेंगे। ठीक है जी, ओके, अब यहाँ देखो ना मैंने 30 लिखा था तो यहाँ पर 29, तो यहाँ पर मैं एक्स की वैल्यू 30 लिखूँगा। ठीक है बेटे, क्योंकि बाद में कैलकुलेट हुई थी ना तो मैं मिस्टेक यहाँ लिख दिया, बहरहाल आप देख लीजिएगा इसको। अच्छा अब यहाँ से आगे चलता हूँ, अच्छा यहाँ तक हो गया, चलो इसको इसी पेन से लिखूँ जिस तरह चल रहा है, एफ ओर एक्स साइन बेटा एक्स आ गया। ठीक है, अब आगे मूव करेंगे तो लिखेंगे एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू साइन, ये साइन लगाया तो डेफिनेट है मुझे भी यहाँ पे साइन लगाना पड़ जाएगा। ठीक है जी, साइन आ गया तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा, तो ये बेटा हम जिस तरह बनाएंगे वो बनाएंगे 60 का, हमें एंगल पास 62 का एंगल नहीं होता ना, 60 का एंगल है तो यहाँ पे एंगल प्लस 1 लगाएंगे, एंगल एन 1 इक्वल टू साइन कितना आएगा 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री, हमें समझ आ गई कि एक्स बराबर है 60 डिग्री के और डेल्टा एक्स या डी वाई एक्स बराबर है 1 डिग्री के। अब 1 डिग्री को बेटे अगर पाई ओवर 180 करेंगे
तो वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है, तो इसकी वैल्यू मेरे पास आएगी 0.01 0.0175। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि प्लस है, उसके साथ माइनस है तो माइनस आया। क्लियर? अच्छा, अब ये करने के बाद फिर आपने डेरिवेटिव ले लेना है एफ और एक्स का। एफ बार एक्स है, इसका क्या हो गया साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव कोस एक्स, सॉरी साइन एक्स का कोस एक्स डेरिवेटिव हो जाएगा। अब आपके पास ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो आप वैल्यू पुट करेंगे। साइन है क्या लिखा, 60 है एक्स का, तो 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री क्लोज ब्रैकेट इक्वल है। अब यहाँ पे एक्स बार है तो यहाँ पे कोस एक्स आ जाएगा, और फिर आ गया डी फोर एक्स है तो वो बेटा आपको पता है 0.0175 है, और यहाँ पर आ गया प्लस, प्लस की वैल्यू ये आपके पास साइन एक्स है जी, ये लें जी एफ एक्स की वैल्यू। अब वैल्यू बेटा पुट करेंगे साइन 61 डिग्री इक्वल कोस में एक्स किसके बराबर है बेटे, 60 तो 60 लगाएंगे और 0.0175 प्लस साइन आ गया, तो साइन एक्स की वैल्यू बेटा क्या है, फिर वही 60 है। इसको फिर आपने ले लेना वैल्यू, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना अपने कैलकुलेटर की मदद से, कर लीजिएगा। जो मेरे कैलकुलेटर ने आंसर दिया बेटा वो मैंने आपके सामने लिख रहा हूँ, तो मेरा जो आंसर है बेटा वो आएगा 0.8747 5, ये इक्वल अप्रैक्सीमेटेड ये वैल्यू। और लो जी, इसको भी सर्कल कर लगा कर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ गया। लें बेटे, उम्मीद है डी स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक लेक्चर समझ आइए। आगे बकिया इस चैप्टर के 2 क्वेश्चन है कि मैं सारे क्वेश्चन करने के हक में हूँ कि चलें बेटे को फ़ायदा हो जाए। स्टूडेंट्स को कोई भी YouTube चैनल पे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ ताहिर लर्निंग इकोनॉमी पर आपको मिलेंगी। इस्लामियात हो, आई कॉम हो, बी कॉम हो, FSC मैथमेटिक्स के वाले से हो, 9th-10th के वाले से हो, किसी भी सब्जेक्ट के वाले से हो, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको क्वालिटी एजुकेशन इंशाल्लाह प्रोवाइड होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ताला हम सब का बेटा हम भी हो नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।